नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिव्यूजिंग लाइफ हैक्स में। दोस्तों आज की वीडियो हमारी एक टॉप को लेकर के है। मैंने इस साड़ी के बचे हुए कपड़े से एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉप बनाया है, लगभग 10 साल के बच्चे का, क्योंकि एक पूरी साड़ी को मैंने यूज किया था माँ के यानी मदर के कपड़े में। उसके लिए फुल गाउन मैंने बनाया हुआ है, जो कि गाउन बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप जरूर देखे होंगे। मैजेंटा कलर का वो ड्रेस पूरा है। तो उसी के बचे हुए कपड़े से मैंने डॉटर के लिए एक टॉप बनाया है, जो कि बहुत सुंदर है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कपड़े को जिसको बनाना है उसके नाप से काट लेंगे। ये लाइनिंग है और साइज जो होगा हम लोगों का, जैसे छोटा बड़ा बच्चा जैसा भी बच्चा हो उस हिसाब से आप काट लीजिए। और उसके बाद काटने के बाद तब ऊपर से लाइनिंग रख के उसको टक कर लीजिए। टॉप की लेंथ आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना लंबा रखना चाह रहे हैं, वो सब बच्चे की साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है। उस हिसाब से नाप लेकर के आप टॉप की कटिंग कर सकते हैं। ये मैं आस्तीन की कटिंग कर रही हूँ। आस्तीन की कटिंग इसमें मैंने बिल्कुल उल्टी करी हुई है। उल्टा इसलिए है कि जिस तरफ हम लोग आस्तीन को जोड़ते हैं उधर मैंने उस साइज को मैंने ऊपर रखा है। और ये मैं निशान बना रही हूँ ताकि उल्टा सीधा समझ में आए कि कौन सा फ्रंट पे है और कौन सा बैक पे है। तो आस्तीन को यही मैं आप बताना चाह रही हूँ कि मैंने इसको बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है। इसको आस्तीन की सिलाई मैं ऊपर से करूँगी, नीचे से नहीं। यहाँ हमें यही ध्यान देना है कि देखिए ये जो आस्तीन का हिस्सा ऊपर रहता है उसको हमें नीचे जॉइंट पे करना है, और उसके बाद हमें जो आस्तीन को जोड़ना है उसको ऊपर से जोड़ना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद जो कटिंग मैंने करी हुई है आस्तीन को, उसमें हमने गोटा लगा दिया है। ये ट्रायंगल शेप वाला गोटा लगाया हुआ है ताकि थोड़ा सा इसका लुक और खूबसूरत सा हो जाए, ये पार्टी वेयर दिखने लगे। और ये देखिए इसमें मैंने जो है जोड़ी सी तरह लगाई हुई है, आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मैं इसको स्टिच करूँगी। यही हिस्सा हम लोग क्या करते हैं कि आस्तीन में नीचे से स्टिच करते हैं, और इस टॉप पे मैंने इस नीचे वाले हिस्से को ऊपर कर रखा है ताकि इसका पूरा ड्रॉप वाला शेप जो आता है कि अंडाकार शेप जो आता है, एक तरह से वही कहा जाएगा कि ओवल शेप में इसको मैंने करा हुआ है आस्तीन को। और उसमें जो ये गोटा लगा दिया है तो जिससे ये बहुत ही खूबसूरत इसका पूरा शेप भी आ गया है और बहुत सुंदर लग रहा है ये। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो साड़ी में छोटे छोटे बूटे बने हुए थे, ये थ्रेड वर्क है, गोल्डन थ्रेड वर्क है। तो इसको मैं क्या करूँगी कि पूरा मैंने कैंची से निकाल दिया है काट के, और इसको मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू से पहले पेस्ट करूँगी और उसके बाद इस पर मैं मशीन चलाऊँगी ताकि ये परमानेंट फिक्स हो जाए, धुलने से भी निकले नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें इसकी फिटिंग के लिए क्या करना है, इसमें गेटिस लगानी है, इलास्टिक लगानी है। प्लास्टिक आप चाहे चौड़ा लगाओ चाहे मोटा लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा गेटिस लगा रहे हो। पर यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पतला गेटिस लगाया हुआ है, जो कि इसको बहुत ही खूबसूरत लुक देगा और शेप भी देगा। तो ये देखिए ये टॉप बनकर बिल्कुल तैयार हो गया, जो कि बहुत सुंदर बना है। इसका आस्तीन मैंने बिल्कुल थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया, मैंने यहाँ पे कट लगाए हुए हैं क्योंकि आस्तीन नॉर्मल नीचे से स्टिचिंग होती रहती है उसकी। मैंने इसमें आस्तीन को थोड़ा सा अलग सा लुक देने के लिए मैंने यहाँ से स्टिच किया हुआ है, और बाकी जो कपड़े को मैंने इस तरह थोड़ा सा गोल शेप में काटा हुआ है। और इसमें मैंने इस तरह से ये वाली लेस लगाई है, ट्रायंगल शेप वाली लेस लगाई है, जिससे ये आस्तीन बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये आप देख सकते हैं कि बीच में मैंने इस तरह से मैंने कोई भी इसका शेप नहीं दिया है। शेप नहीं दिया है इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे गेटिस लगानी थी। गेटिस लगाने से अपने आप टॉप जो है फिटिंग का आ जाएगा। मैंने आगे और पीछे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ गेटिस लगाई हुई है। और इस तरह ये मैंने जो छोटे छोटे इसमें कपड़े लगाए हुए हैं, देखिए
ये काट करके आप भी चाहें तो अगर अपनी आपके पास इस तरह की साड़ियां हो तो इसको लगा सकते हैं। और मैंने जो बॉर्डर बचा हुआ था थोड़ा सा उसको यहाँ पे मैंने नीचे दे रखा है, और बॉर्डर की जो सिलाई हुई है क्योंकि ये कपड़ा अलग से लगा है तो उस सिलाई पे भी मैंने ये ट्रायंगल शेप वाली लेस लगा करके उस सिलाई को ढक दिया है, जिससे ये टॉप बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी चाहें तो अगर आप अपने लिए सूट सिलवा रहे हैं और उससे कपड़े बच रहे हैं तो अपनी डॉटर के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस इस तरह बना सकते हैं। तो आशा है कि वीडियो जरूर पसंद आया होगी, तो प्लीज आप इसे शेयर और लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, और तब तक के लिए नमस्कार।